हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आई होप सब बढ़िया होंगे। एंड आज आप सबको पता है 14th फेब है और हम आज एक जगह जाने वाले, फैंटास्टिक सी, तो आपको ब्लॉग में आगे बताएंगे। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। मिलते हैं कुछ देर बाद और आपको आज का पूरा ब्लॉग दिखाएंगे। मजा आएगा, एंड तक बने रहना वीडियो में। सो गाइस, अभी हम निकल रहे हैं, आपको बताया था हम लोग अभी कहीं जा रहे हैं। हम जा रहे हैं गुड़िया दीदी की, मतलब सॉरी छोटी दीदी के घर पे, क्योंकि दीदी का आज बर्थडे है। तो सुबह मैं आप लोगों के साथ मजाक कर रहा था सिर्फ। तो अभी चलते हैं, मिलते हैं आपसे, पहले विनय भाई के पास जाएंगे और तब मिलेंगे आपको। तो गाइस, हम छोटी दीदी के लिए गिफ्ट ले रहे हैं और मैं, जीजू और विनय भाई जा रहे हैं छोटी दीदी के लिए। मतलब छोटी दीदी अभी गाँव में अपने घर पर नहीं है, तो हम लोग वहीं पर जाएंगे और ले लेते हैं जल्दी से, उसके बाद निकलते हैं। सो गाइज, अभी मैं हूँ आनंद विहार मेट्रो स्टेशन और विनय भाई अभी आ रहे हैं, पानी लेने गए हैं और जीजू बाइक से निकल गए। तो अभी हम यहाँ से शिव विहार जाएंगे सीधा, उसके बाद हमें वहाँ से ट्रेन के लिए ऑटो पकड़ना है और फिर हम दीदी के लिए मतलब सीधा गांव पहुँच जाएंगे, क्योंकि दीदी घर पे नहीं है, दीदी गाँव में है। तो अभी विनय भाई पानी लेके आ रहे हैं, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से मेट्रो से। जीजू जी हमारे पहले ही पहुँच गए। और भैया नमस्ते, ले लेंगे और अब हम यहाँ से लेंगे ट्रेन। बाइक से पहुंचोगे? तो हमसे पहले पहुंच जाओगे? साथ में जाना है, एक दिन चलो आपके साथ चल लूंगा और क्या, है ना? बाइक से ही, कोई नहीं, ट्रेन से आ जाऊंगा। वैसे भी ट्रेन में बहुत कम आऊं मैं। दो जाओ, आप उधर से ट्रेन ये भैया चले जाएंगे, दो जाओ ना जी, बड़ा लाते हो चले जाएगी लगा। मैं जा रहा हूं भैया के साथ बाइक से और केक ले लिए, बाकी जीजू और भाई आएंगे ट्रेन से। सो निकलते हैं हम लोग। हमारा बैग गिर गया, ये बंद हुआ था, सुधार लिया। मैं लग रहा है इसका एक वो बंद रहा था, धर तो लूंगा ये केक। पी के हम निकल रहे हैं, खाने पीने के लिए रुके थे तो भाई ने समोसे खिलाए। अब निकल रहे हैं यहाँ से, लगभग 10-15 मिनट का रास्ता है और बस थोड़ा सा ही दूर रह गया। और जीजू और मीने भाई भी आ रहे हैं रास्ते में। बाल बाल पूरे बिखर गए और फाइनली हम पहुँच गए। और छोटी दीदी को पता नहीं है सरप्राइज छोटी दीदी के लिए कि मैं आ रहा हूँ, विनय भाई आ रहे हैं ना, और सागर भाई का भी नहीं पता अभी, वो तो पहुँचे नहीं है। मतलब जीजू और विनय भाई तो अभी ट्रेन से आ रहे हैं और हम लोग पहुँच गए, देखते दीदी का रिएक्शन क्या होगा। पहले वेट कर लेते, गेट ही नहीं खोलते हैं, तो कोई अब कोई आ रहा है शायद। देखते हैं, लेट्स सी कौन आ रहा है। मुझे लग रहा है छोटी दीदी आई है। डेकोरेशन हो रखा है यहाँ पे, बलून फ्लैग रख रखे। छोटी दीदी नहीं है, छोटी दीदी कहाँ जा रखी है? खाना बना रही। अच्छा, खाना बना रही ऊपर? हाँ। छोटी दीदी ऊपर है। दीदी को मुझे लग रहा है पता चल गया कि मैं आ गया, एक बार फिर भी चल के देख लेते हैं ऊपर, है ना? दीदी खाना बना रही ऊपर। अरे यार पता चल गया, मैं सोच रही बंदर आ गया, डर गए थे। अरे मम्मी, यहाँ तो कुत्ते भौंकने लगे पहले ही। मैं यहाँ से पता अभी चुप चुप के आया कि कोई देख ना पा रहा है। चल, आपको क्या लगा? हम तो भाई साहब पता नहीं। सो गाइस, अभी हम लोग कर रहे हैं बलून्स वगैरह फिट और दीदी हो रही है रेडी। यहाँ पे जल्दी से पहले डेकोरेशन वगैरह करते हैं, उसके बाद आपको कंप्लीट दिखाएंगे। पहले पूरी डेकोरेशन कंप्लीट हो गई है और अब फिलहाल चाय वाय पीते हैं। और विनय भाई जीजू जी भी आ रहे हैं हमारे। कहाँ हैं जीजू? कहाँ हैं विनय भाई? जीजू गए राम चल रहा।
दीदी की बारी केक कटिंग की, खुद ही कैंडल लगा रही दीदी अपने बर्थडे में। हैं दीदी, खुद ही लगाना पड़ता है। कितने कैंडल लगानी है? अरे बस कितने साल के हो गए? 14 तो होगी नहीं इसमें। 14 साल की हुई तुम लोग? ओ हां, 14 की काम है भाई। मैं तो पूछ रहा था। बस हो गए, बस बस माचिस से जड़ा तो तुम बस वो होता है। माचिस किसके पास है? तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। माचिस निकालो। किसके पास है? एक 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 मीम आ रहा है। फिलहाल खाना वाना लग गया। विनय भाई हमारे ये रहे, सागर भाई, जीजू जी और हमारी मिसेस शेफ छोटी दीदी एंड बर्थडे गर्ल बार्बी गर्ल। बार्बी गर्ल तो यार घर छोड़ आए तुम। मिलता है आपसे खाना वाना खाने के बाद। सो गाइस यहाँ हो रहे हैं दीदी के गिफ्ट ओपन। करो क्या होगा इसमें, आइडिया लगा लो। इसमें डब्बा है वैसे तो। अगली बार पैक कर दीजिए। वैसे गाइस ये मुझे पता था इसमें मैंने लिया है वो तो। अच्छा पता है। अच्छा हमको सिखा रिया है। बाकी सारी मेरी। अब ये गिफ्ट बॉबी का है, ये गिफ्ट मेरा नहीं है। एंड थैंक यू फॉर द दीदी की तरफ से है। थैंक यू फॉर द लाठियान फैमिली। ओह थैंक यू। ये वैसे है क्या नायरा कट या फिर सूट? पता नहीं क्या बोलते हैं, इसे नायरा बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। हम सूट है, हमारे तो बस एक शर्ट पैंट आया है गाइस, तो नाम याद रहे। ये फ्रॉक है गाइस, फ्रॉक। आई लव इट। ओके ये नीचे का पजामा और दुपट्टा। हां ये ट्राउजर है इसका और वो दुपट्टा है उधर। यार मेरे तो कपड़े ऐसे पड़ जाओ, तुम खरीदने का मौका ही नहीं देते। मैंने शादी के बाद एक भी जोड़े कपड़े नहीं खरीदे। चलो मम्मी उठ जाएगा थी। ये बस पूरा संदूक बना रखा हुआ है। और गाइस ये भी बॉबी लाया है, ये शायद मोनी और परी ने दिया। थैंक यू सो मच बहनों। नहीं चॉकलेट मेरी थी, ये कुर्ता दीदी का था। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। यार चलो ठीक है, थैंक यू सो मच लाठियान फैमिली। और ये भाई की तरफ से छोटू भाई, मेरे को भी बोल रहे थे भाई किटकैट ले लो। शेप स्नैप। ये राजी जुआ निकल के आ रहा है जो धूप का आके निकाल दे। क्या है ये? पता नहीं यार मुझे भी क्या है। ये तो बड़ा है, ये तो मुझे देखा था क्यों है वो। मैं इसकी मत करो, जिज्जा ने लेकर आए। लग कैसा रहा है ये देखने में? अच्छा लग रहा है। चिंता मत करना, मैं कोई भी मोटी नहीं हुई थी। कोई भी अगर ढीला डाला हो तो चेंज कर लेना अपनी दुकान। सारे अपनी दुकान। सो गाइस देवी कलेक्शन को फॉलो करें। आपकी दुकान पे है यार, मस्त लग रहा है। ऐसा है परी भी तो दिखा रही थी मेरे को, तो सेम सेम ड्रेस हो गई। परी दिखा रही थी, परी ने भी लिया था ना ऐसा। हां लिया हुआ, मस्त मस्त। सो गाइस फाइनली डिनर वगैरह हमारा कंप्लीट हो चुका है और सेलिब्रेशन भी अच्छे से हो गया। और कल हम सुबह घर के लिए निकल जाएंगे, फिलहाल आज यहीं पे रेस्ट करेंगे, यहीं पे रुके हुए हैं। विनय भाई भी पीछे उधर ही है और बाकी सब हम यहीं पे हैं।
तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फोटो तो बाद में भी हो जाएगी। सो गाइस फोटो वोटोज क्लिक करेंगे दीदी की, और मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।